मोटोरोला ने अभी जस्ट कुछ ही दिनों पहले अपना एक नया 5G फोन लॉन्च किया था और अब दोबारा से मोटोरोला 21 सितंबर को एक और नया 5G फोन लॉन्च कर रहा है और ये फोन है मोटोरोला एज 14 नियो 5G। इससे पहले मोटोरोला एज 40 फोन लॉन्च किया था और अब कुछ ही दिनों बाद एज 14 नियो 5G लेकर आ रहा है। 21 सितंबर को ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा जिसकी प्राइस हमें देखने को मिल सकती है 35,500 रुपए के आसपास। अदर कंट्रीज के अंदर ये फोन लॉन्च हो चुका है तो वहाँ पर इस फोन की प्राइस यही है, तो इंडिया में आप ज्यादा 1,000-2,000 रुपए थोड़ा एक्स्ट्रा और जोड़ लीजिए, बस इतना ही होगा, ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो 12GB 256GB वाला एक ही वेरिएंट हमें इस फोन का मिलेगा जिसकी प्राइस 35,000 रुपए से 37,000 रुपए के बीच में हो सकती है। फीचर्स इस फोन के मोटोरोला ने फ्लिपकार्ट पर सब के सब मेंशन कर दिए हैं। डिस्प्ले इस फोन के अंदर 6.55 इंच की एक टी ओलेड डिस्प्ले मिलेगी 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। ये पी ओलेड आप एमोलेड के बराबर मान लीजिए, थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे। साथ ही 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाएगा। साथ ही 10 बिट की ये डिस्प्ले है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऑब्वियसली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ही इस फोन के अंदर मिलेगा। प्रोसेसर इस फोन के अंदर बिल्कुल नया लेटेस्ट 5G प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030 का एक ऑक्टा कोर 5G प्रोसेसर और 5G बैंड, ओह माय गॉड, 15 5G के बैंड इस फोन के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही LPDDR4X RAM और UMCP का स्टोरेज टाइप इस फोन के अंदर मिल जाएगा। मोटोरोला के फोनों की खास बात ये रहती है कि एड वगैरह मोटोरोला के फोनों के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है, तो इस बार भी वही होगा। स्टॉप एंड्रॉइड 13 इस फोन के अंदर हमें मिलेगा। एड यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट आपको इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। अब बैटरी इस फोन के अंदर 5000mAh की मिल जाएगी जिसको चार्ज करने के लिए 68 वोल्ट का चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। ड्यूअल कैमरा सेटअप ही इस फोन के अंदर हमें देखने को मिलेगा लेकिन 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रहेगा जिसके अंदर OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। यानी कि फोटो या फिर वीडियो क्लिक करते टाइम अगर आपका फोन थोड़ा बहुत इधर उधर हिल जाता है तो फोटो या फिर वीडियो खराब नहीं होंगी। और साथ ही 13 मेगापिक्सल का एक दूसरा अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा, उसी के अंदर हमें मैक्रो और डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि अलग से एक मैक्रो या फिर डेप्थ कैमरा देने के बजाय अल्ट्रा वाइड के अंदर ही मैक्रो और डेप्थ मिल जाता है। फ्रंट के अंदर सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिल जाएगा और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली 4K के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हेडफोन जैक इस फोन के अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, IP68 की रेटिंग मिल जाएगी यानी कि अगर पानी के अंदर 1.3 मीटर तक आधे घंटे तक आपका फोन डूब जाता है तो फोन बच जाएगा, खराब नहीं होगा, ऐसा कंपनी का कहना है। साथ ही डुअल स्टीरियो स्पीकर और डुअल माइक इस फोन के अंदर हमें मिल जाएंगे और वाईफाई 6E का सपोर्ट भी इस फोन के अंदर मिल जाएगा और मोटोरोला का स्पेशल फीचर रेडी 4 का फीचर भी मिल जाएगा जिससे आप अपने फोन को बड़ी डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट कंपनी की तरफ से हमें मिल जाएगा। और प्राइस और लॉन्च डेट जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, 21 सितंबर को ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा और 35,000 से 37,000 रुपए के बीच में इस फोन की प्राइस होगी।